Hello students, today we are going to do classroom assignment 19. Part B, supply the correct form of present perfect tense. Simple present perfect tense या present perfect continuous of the verbs given in brackets. In this exercise, we have to apply present perfect tense or present perfect continuous tense. Now, first of all, you should know what is present perfect tense and what is present perfect continuous tense. Present perfect tense is applied in those actions which have just finished. For example, I have completed my work. मैंने अपना काम कर लिया है. It began in the past. Past में शुरू हुआ और खत्म कर लिया, लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है. तो then वहाँ पर आता है आपका present perfect tense. Second example is I have done my breakfast. मैंने अपना नाश्ता कर लिया है. तो नाश्ता पास्ट में शुरू किया, खत्म हो गया है, अभी अभी किया है, तो उसमें भी आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेटा रूल क्या है, इसमें आता है आपका हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस व्हिच बिगेन इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग अप, स्टिल गोइंग ऑन. फॉर एग्जांपल, it has been raining for 2 hours. बारिश पास्ट में शुरू हुई और अभी भी हो रही है, बारिश 2 घंटे से हो रही है, तो ये इसमें आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इट इज ऑल्सो अप्लाइड इन दोज एक्शंस विच हैव ऑलरेडी फिनिश्ड तो हो चुके हैं बट आर यूज एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग. लाइक आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाई आर योर क्लोथ्स वेट, आपके कपड़े गीले क्यों हैं? और बच्चा जो है, he is answering, I have been watering the plants. मैं पौधों को पानी देकर आया, या पानी पौधों को अभी अभी पानी दे रहा था. तो उसमें आपका क्या आ जाता है? Present perfect continuous tense. Now we are starting from the first sentence. I dash live here since 1981. 1981 से लिव का मतलब रहना. मैं यहाँ 1981 से रह रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आता है? आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगेगा, हैव बीन. लिव का क्या बनेगा? लिविंग. आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1981. Now second sentence. I dash not see your brother lately. Lately का मतलब है फिलहाल. तो इसमें है I have not seen your brother lately. मैंने फिलहाल ही तुम्हारे भाई को नहीं देखा है. I have not, यहाँ पर present perfect simple आ रहा है. I have not seen your brother lately. Third sentence. Dash, you get any letters from him? क्या तुम्हें कोई पत्र मिले हैं? Dash you get. तो इसमें भी आएगा आपका present perfect tense है ये, लेकिन इसमें है interrogative sentence. तो have पहले आ जाएगा. Have you get का got हो गया. Have you got any letters from him? Fourth sentence. The children dash stand in the rain for half an hour. यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे जो है stand खड़े हैं in the rain for half an hour. Time दिया गया है कि पिछले आधे घंटे से बच्चे खड़े हैं. तो यहाँ पर आपका आएगा present perfect continuous tense. अब इसमें क्या आएगा? The children, बच्चे ज्यादा हैं, तो have been. The children have been stand का आ जाएगा standing in the rain for half an hour. Fifth sentence, he is very tired. वह बहुत थका हुआ है. He dash run around the town all day. जो मैंने second rule आपको बताया था कि इसमें ये बताया है कि वह बहुत थका हुआ है. अब उसका reason दे रहा है कि वो क्यों थका हुआ है? क्योंकि आज वो पूरा दिन शहर में घूमता रहा है. तो ये क्या आएगा? He run का ये present आपका perfect continuous है, तो इसका आएगा he के साथ has लगेगा, singular है. He has been run का बन गया running. He has been running around the town
all do. Sixth sentence, it dash not rain here for more than a month. More than a month, एक महीने से ज्यादा समय, एक महीने से ज्यादा समय हो गया है यहाँ बारिश नहीं हुई है. तो टाइम दिया गया है पास्ट से ही, एक महीने से ज्यादा टाइम हो गया है और अभी भी नहीं हुई है. तो यहाँ पर आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट के साथ हैज आएगा, इट हैज बीन नॉट रेन का आ जाएगा रेनिंग, आर ए आई एन आई एन जी. इट हैज नॉट बीन रेनिंग हियर फॉर मोर देन ए मंथ. नाउ द लास्ट सेंटेंस, ही डैश राइट टू मी ओनली वंस सिंस ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया. ओनली वंस, सिर्फ एक बार लिखा है, सिंस ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है. तो अब इस पे ये पास्ट की बात है, सिर्फ एक बार उसने लिखा है, एक बार पत्र लिखा है. तो इस पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज राइट का हो गया थर्ड फॉर्म, ही हैज रिटर्न टू मी ओनली वंस सिंस ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया. नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे. बाय स्टूडेंट्स. ओके.